उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदन जैन ने अलीनगर स्थित एक भवन में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं श्री रामलीला समिति आर्यनगर के तत्वाधान में 8 जनवरी से 12 जनवरी तक 5 दिवसीय श्री हरि कथा यज्ञ का भव्य आयोजन सूरजकुंड मानसरोवर स्थित श्री रामलीला मैदान में सुनिश्चित किया गया है, जिसमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक आशुतोष महाराज एवं शिष्य पीताम्बरा भारती व सुषमा भारती कथा का वाचन करेंगे। यह कथा समस्त जन कल्याण सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया का भाव लेकर आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि इस कथा में 1000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस कथा को सुने और अपने जीवन को भक्तिमय बनाएं। वहीं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संयोजक स्वामी अर्जुनानंद ने बताया कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पिछले 25 वर्षों से पूर्वांचल में आध्यात्मिक कार्यक्रम कर रही है। भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री हरि कथा जैसे कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तथा सामाजिक गतिविधियों में नशा मुक्ति अभियान, अभावग्रस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं निःशुल्क दवा वितरण का भी कार्यक्रम निरंतर किया जाता है। उन्होंने कहा कि 8 जनवरी को सुबह एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इस अवसर पर विकास जालान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदन जैन एवं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संयोजक स्वामी अर्जुनानंद ने कहा, दिव्य ज्योति जागृति संस्था जो विश्व में अपना एक स्थान रखती है, ऐसी धार्मिक संस्था जो है और कथा के माध्यम से लोगों में एक प्रति अच्छी आस्था हो, ऐसा ज्ञान साध्वी बनने हैं जिनके अंदर पार जो है आगे बढ़ाने में और लोगों में अच्छी प्रेरणा देने के लिए संस्था हिंदुस्तान में जगह जगह कैंप लगा करके मानसरोवर रामलीला मैदान में दिनांक 5 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक 5 ये दिव्य ज्योति जागृत संस्था जो अपना विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित की है, धार्मिक प्रवृत्ति और धार्मिक भावना से ओतप्रोत आशुतोष जी महाराज इसके रचयिता हैं और उन्होंने इसका नींव डाला था और इनके नेतृत्व में तमाम साध्वी साधु लोग एक अच्छा यहाँ पर धार्मिक भावना उन लोगों की आई और ऐसी संस्था द्वारा हम लोग रामलीला मैदान मानसरोवर सूरजकुंड गोरखनाथ में दिनांक 8 तारीख से लेकर के और 12 तारीख तक 5 दिन का यह हरि श्री हरि कथा अमृत का जो है प्रोग्राम करने जा रहे हैं। श्री रामलीला समिति आर्यनगर इसका आयोजक है और दिव्य ज्योति जागृत संस्था उनके द्वारा पूरा आयोजन हो रहा है और हमारे परम आदरणीय यहाँ गोरखपुर क्षेत्र के जो है संयोजक श्री अर्जुनानंद जी महाराज हमारे बीच में बगल में बैठे हैं। आपके नेतृत्व में यह आयोजन बहुत ही धूमधाम से और बहुत बृहद रूप में होने जा रहा है। यह 8 तारीख को शुरू होगा, कलश यात्रा शुरू होगी 11 बजे से, उसके बाद 2 बजे से कथा का आयोजन होगा और कथा का आयोजन 8 तारीख को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 5 दिन का 12 तारीख तक चलेगा। मैं अधिक से अधिक हमारे अब सभी जनमानस से यही आग्रह करेंगे कि इसमें आ करके कथा का अमृत पान रस को जो है वो अपने जीवन में ग्रहण करें और जो ईश्वरीय भक्ति है, ईश्वरीय दान है, उसको हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि उसको कथा के माध्यम से अपने को शुद्ध करे और जो जो कथा मिलती है, कथा का जो ज्ञान होता है, वह निश्चित रूप से मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ाता है। तो मेरी आम जनमानुष से ही प्रार्थना है, विनती है। शिष्य हूँ श्री आशुतोष महाराज जी का, स्वामी अर्जुनानंद। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की पावन पुण्य धरती पर
5 दिवसीय श्री हरि कथा का भव्य आयोजन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान व श्री रामलीला समिति के कोलैबोरेशन में होने जा रहा है। दिनांक 8 जनवरी से 12 जनवरी समय 2 बजे से सायं 5 बजे तक श्री रामलीला ग्राउंड मानसरोवर सूर्यकुंड गोरखपुर के प्रांगण में। इस कार्यक्रम में श्री आशुतोष महाराज जी के साथ विशिष्य साध्वी पीतम्बरा भारती जी एवं सुषमा भारती जी मंचासीन होंगे और बहुत से साधु महात्मा एवं साधियाँ मंचस्थ होकर के श्री हरि कथा का वाचन करेंगे। श्री आशुतोष महाराज जी का कहना है, परमात्मा की बहुत सारी व्याख्याएं शास्त्रों में हैं, परंतु मात्र व्याख्यान या कथाओं से जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। वह ईश्वर जो प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक जीव के घट में है, उस ईश्वर का दर्शन दिव्य नेत्र के द्वारा जब होता है तभी मनुष्य में परिवर्तन आता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य नेत्र के माध्यम द्वारा उस परमात्मा का दर्शन करवाया, इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के सनातन विधि के माध्यम से सर्वश्री आशुतोष महाराज जी त्रिकुटि के मध्य में दिव्य नेत्र खोल करके उस परमात्मा का दर्शन करवाते हैं। इसीलिए भारत के 40 जेलों में हमारे आश्रम में जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसा अभूतपूर्व क्रांतिकारी यह कार्यक्रम आगे चल रहा है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक गतिविधियाँ जैसे निःशुल्क निस्वार्थ बच्चों को पढ़ाना, नशा मुक्ति अभियान जैसा कार्यक्रम, पर्यावरण जैसे कार्यक्रम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पिछले 25 वर्षों से पूरे पूर्वांचल गोरखपुर शाखा के माध्यम द्वारा कर रही है। और समस्त गोरखपुर के निवासियों से मेरा आग्रह है कि अपील करना है कि आप इस कथा में आएं और इस कार्यक्रम में मुख्यतः श्रीमान आदरणीय पुष्पदान जैन जी के माध्यम द्वारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और मैं सभी क्षेत्र निवासियों को आग्रह करूँगा कि आप लोग सभी इस कार्यक्रम में आएँ और भाग लें और कथा का लाभ उठाएँ। धन्यवाद।